वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रतिदिन आप सभी लोगों का आउटलाइन विद डिक्टेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं कुछ वाक्यांशों को ला रहा हूँ और कुछ आउटलाइंस महत्वपूर्ण आउटलाइंसों को मैं ला रहा हूँ, और आप सभी लोग प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा से प्रतिदिन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उसके अलावा आप सभी लोगों का डिक्टेशन का सीरीज भी चल रहा है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आप सभी लोगों के लिए हो रही है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों को अपनी बुक्स के बारे में पता होगा, तो बुक्स यदि आप सभी लोगों ने परचेस ना किया हो तो बुक्स को पूर्ण रूप से परचेस करें। इस बुक्स में आप इसको जब रखेंगे अपने पास तो आप सभी लोगों को कॉन्फिडेंस होगा और मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी किस तरीके से है। इस बुक्स की खासियत यह है कि आप सभी लोग इसको लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में मैटर्स आते हैं, क्या लेवल रहता है, किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है। तो बुक्स को जरूर लीजिए, जिससे आपकी जानकारी आपको मालूम चले। तो चलिए बात करते हैं हम प्रतियोगी छात्रों के लिए। देखिए, करना क्या है, पा व्यंजन को रांकड़े के साथ बना देना है हमको। फिर करना क्या है, या के व्यंजन को बना देना है हमको। ये हो गया प्रतियोगी छात्रों के लिए, छा के व्यंजन को बनाना है। धार धार तरह का चाप लगा दीजिए, इसमें ओ की स्वर लगा दीजिए, ये हो जाएगा प्रतियोगी छात्रों। काफ़ी अच्छी आउटलाइन है ना आप सभी लोगों के लिए। देखिए, इतना बड़ा शब्द और छोटी सी आउटलाइन बन रही है। उसके बाद देखते हैं प्रस्तुत करते हुए। देखिए, पा व्यंजन को बनाना है रांकड़े के साथ, सा के वृत्त को बना देना है हमको, ये हो जाएगा प्रस्तुत, राइट। अब करना क्या है, का के व्यंजन को बना देना है करते, फिर हा के व्यंजन को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा प्रस्तुत करते हुए। उसके बाद देख रहे हैं हम, इसमें दिया है हर्ष हो रहा है, सिंपल तरीका है, हा के व्यंजन को बना देंगे हम रा व्यंजन के साथ, अंत में सा के वृत्त के साथ, ये हो गया हर्ष। इसमें हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा अंत में, ये देखिए हो रहा है, हमने हा के व्यंजन को बनाया, दूना कर दिया तो रहा रही जुड़ गया इसमें, अंत में हमने हा को है को जोड़ दिया। उसके बाद है अनुभव कर रहा हूँ, तो देखिए ये छोटा बड़ा ए की स्वर, ना के व्यंजन को जोड़ा हमने, फिर भा के व्यंजन को जोड़ दिया, इतना हो गया अनुभव। कर रहा हूँ के लिए का व्यंजन को रांगड़े के साथ और इसी का व्यंजन को दूना बना देंगे, जिसमें रहा रही रही जुड़ जाएंगे, अंत में हम हूँ को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अनुभव कर रहा हूँ, राइट। अब देखते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर 5, इसमें है प्राचीन भारत। ध्यान दीजिएगा, अच्छा आउटलाइंस है, काफ़ी अच्छा आउटलाइंस ये भी है। तो प्राचीन के लिए देखिए हम क्या करते हैं, पा व्यंजन को बनाना है आपको, राइट। करना क्या है, इसमें ना के व्यंजन से जोड़ दीजिए, हो जाएगा प्राचीन। भारत के लिए करना क्या है आपको, भा व्यंजन को बनाना है अंत में, ता के आंकड़े जोड़ देना, ये हो जाएगा प्राचीन भारत। उसके बाद है विशिष्ट कल्याण। विशिष्ट कल्याण के लिए देखिए ये भी अच्छा आउटलाइंस है, राइट। विशिष्ट कल्याण, अब देखिए वा के आंकड़े को यूज करेंगे हम, सा के वृत्त के साथ, फिर टा व्यंजन को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा विशिष्ट। कल्याण के लिए करना क्या है, का व्यंजन को लांकड़े के साथ, अंत में ना के आंकड़े को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे दिया है कारण, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए करना क्या है, थोड़ा सा इसमें बना दीजिए आप इस तरीके से, देखिए फिर से मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को। तो वा के आंकड़े को बनाना है आपको सा के वृत्त के, सॉरी सा के वृत्त के साथ टा व्यंजन को। अब करना क्या, कारण के लिए का व्यंजन को बनाना है ना आंकड़े के साथ, अंत में ना का आंकड़ा जोड़ देना है आपको, ये हो गया विशिष्ट कारण। हम इसको ध्यान में नहीं दिया हमने, इसको हमने समझ बैठे कल्याण। तो उसके बाद देखते हैं लोक सेवा आयोग के लिए, देखिए क्या करेंगे हम, लोक सेवा आयोग, देखिए कितना अच्छा शब्द है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, राइट। अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे हम, आयोग, लोक सेवा आयोग, देखिए सिंपल तरीका इसका है। देखिए करेंगे क्या हम, ला के व्यंजन को बनाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, का के व्यंजन को बना देंगे हम लोक, सा के वृत्त को वा के व्यंजन के साथ बना देंगे लोक सेवा, अब या के व्यंजन को बना देंगे हम और उसमें गा के व्यंजन को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा लोक सेवा आयोग। उसके बाद क्या है, द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण के लिए देखिए किस तरीके से इसको हम बनाएंगे, तो द्वितीय संस्करण के लिए देखिए करना क्या है, दा व्यंजन को आपको बना देना है, फिर ता के व्यंजन को बना देंगे, ये हो जाएगा द्वितीय संस्करण। के लिए देखिए सा के वृत्त को ना के व्यंजन के साथ बनाना है आपको, फिर का व्यंजन को रांकड़े के साथ, अंत में ना का आंकड़ा बना देना है, ये हो जाएगा द्वितीय संस्करण। उसके बाद दिया है वर्तमान अनुभवों। वर्तमान अनुभवों को देखिए किस तरीके से इसको हम रिलेट करेंगे, तो करना क्या है, पा व्यंजन को बनाना है रांकड़े के साथ, इसमें माँ के व्यंजन को बना देंगे हम, ये हो जाएगा वर्तमान अनुभवों। के लिए देखिए क्या करना है, भा के व्यंजन को बनाएंगे, अंत में वा के छोटे से आंकड़े को बना देंगे, इसमें आप ओ के स्वर लगा दीजिए, इसको काटें आप, जिससे ये भा व्यंजन बन जाए। वर्तमान अनुभवों, समस्त सामग्री के लिए देखिए
देखिए समस्त सामग्री सा के वृत्त को मा के व्यंजन के साथ बना देंगे हम, सामग्री के लिए फिर सा के वृत्त को मा व्यंजन के साथ, अंत में गा व्यंजन को बनाना है बड़ी ई की स्वर के साथ, ये हो जाएगा समस्त सामग्री। उसके बाद दिया गया है निराकरण करने का प्रयास किया गया, देखिए काफी बड़ा ये वाक्यांश बन रहा है तो इसको बनाएंगे हम। निराकरण देखिए करना क्या है, ना के व्यंजन को बना देना है, का व्यंजन को बनाना है आपको नाकड़े के साथ, ठीक, ये हो जाएगा निराकरण करने का। तो का व्यंजन को रांकड़े के साथ, ये हो गया करने का। अब देखिए देखिए का के लिए देखिए थोड़ा सा रूप बनाएंगे हम ये का। अब प्रयास पा व्यंजन को रांकड़े के साथ, ठीक ना, ये हो जाएगा प्रयास, ठीक, देखिए ये हो गया प्रयास। फिर का व्यंजन को बना देंगे हम ये किया गया है, राइट, तो निराकरण करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद देखते हैं अनपेक्षित सामग्री, देखिए अन्य, देखिए आव्यंजन को नांकड़े के साथ, फिर बना देना है अनपेक्षित सामग्री के लिए सा के वृत्त को मा व्यंजन के साथ, गा व्यंजन को बनाना है आपको अंत में रांग बड़ी के स्वर से जोड़ देना है आपको, ये हो जाएगा अनपेक्षित सामग्री। निराकरण के लिए देखिए सिंपल आउटलाइन है ये भी, निराकरण ना व्यंजन को रांकड़े के साथ, का व्यंजन को रांकड़े के साथ, अंत में ना कांकड़ा, ये हो जाएगा निराकरण। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, तो पा व्यंजन को रांकड़े के साथ, सा के वृत्त को ता के व्यंजन के साथ प्रस्तुति, का व्यंजन को रांकड़े के साथ, अंत में ना के आंकड़े को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। उसके बाद है हस्तगत, हस्तगत के लिए देखिए क्या करना है हमको, ये हा के व्यंजन को पूरा पूरा इसमें करना क्या है आपको, अस्त का चाप लगा देना है, ये हो जाएगा हस्त। गा व्यंजन को बनाना है अंत में ता के आंकड़े को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हस्तगत। उसके बाद क्या है समीक्षात्मक, देखिए समीक्षात्मक के लिए देखिए सा के वृत्त को मा के व्यंजन के साथ, राइट, फिर इसमें सा के वृत्त को पढ़ेंगे तो कभी कभी छा पढ़ लिया जाएगा, समीक्षा तो ता के व्यंजन को जोड़ेंगे, ये मा व्यंजन को जोड़ देंगे का व्यंजन के साथ, ये हो जाएगा समीक्षात्मक। अब चलिए उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 17 से, ठीक ना, पॉइंट नंबर 17 से देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। दिया गया है बनाने के लिए, अभी तक तो आप सभी लोग लिख रहे थे करने के लिए, अब देखते हैं इसको बनाने के लिए, तो बा व्यंजन को बनाना है आपको ना आंकड़े के साथ, राइट, बनाने, फिर का व्यंजन को जोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा बनाने के लिए। उसके बाद है मौलिक विश्लेषण, करना क्या है, सिंपल तरीका, मा व्यंजन को लांकड़े के साथ, हो गया मौलिक विश्लेषण के लिए करना क्या है, वा के व्यंजन को बनाना है और सा के वृत्त जोड़िए, और फिर करना क्या है ला के व्यंजन को बनाइए, अंत में ना आंकड़े को थोड़ा अगर दूना बना देंगे आप तो क्षण 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 का नियम हो जाता है, ये हो जाएगा मौलिक विश्लेषण। उसके बाद मैं बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 19 अप्रामाणिक, देखिए इसको छोटा सा आई की डैश जो कि आ की स्वर को दर्शाता है, पिप्पा व्यंजन को नांकड़े के साथ, फिर करना क्या है मा व्यंजन को बनाना है नांकड़े के साथ, अंत में का के व्यंजन को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अप्रामाणिक। उसके बाद है प्रस्तुत किया गया, तो देखिए पा व्यंजन को रांकड़े के साथ, सा के वृत्त को ता व्यंजन के साथ प्रस्तुत किया गया, के देखिए का के व्यंजन को काटना है इसको, फिर गया का ये होता है गया, इसमें है जोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास था हमारे द्वारा लिया गया वो आपको अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए होंगे, और इसी तरीके से यदि आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अपनी आउटलाइंस को, यदि आप इस तरीके से आउटलाइंस को बनाते हैं, निश्चित है कि आप सभी लोगों को जब भी इस तरीके से आपको वाक्यांश मिलेंगे तो आप सभी लोग छोटा सा एक लिख देंगे, उनको मैटर चलता रहेगा, आप सभी लोग लिख के पहले ही बैठे रहेंगे। तो ऐसी हमारी आशाएं हैं कि आप सभी लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं, ठीक ना, तो लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें एक दूसरे के पास, जो भी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हों, आपके छात्र हों, आपके पास पड़ोस के हों, आपके दोस्त हों, रिलेटिव में कोई भी हो, उसके पास आप शेयर कर दिया करें जरूर से। तो देखिए आज के फिर हमने पढ़ा दिया आपको, तो हमने अपने आप बुक्स के बारे में आपको पहले ही बता के रखा है, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। प्रतियोगी छात्रों प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है, अनुभव कर रहा हूं प्राचीन भारत, विशिष्ट कारण, लोक सेवा आयोग, द्वितीय संस्करण, वर्तमान अनुभवों, समस्त सामग्री, निराकरण करने का प्रयास किया गया है, अनपेक्षित सामग्री, निराकरण, प्रस्तुतिकरण, हस्तगत, समीक्षात्मक, बनाने के लिए,
मौलिक विश्लेषण अप्रामाणिक प्रस्तुत किया गया है, स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका आउटलाइन विद डिक्टेशन का सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि आप सभी लोगों को हित में देखते हुए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बना के रखा है और अपनी मैं इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तीनों चीज़ मिल जाएगा। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए और दोनों ग्रुप्स में आप सभी लोग जुड़ भी जाइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।